पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो कि कमेंटेटर भी है संजय मांजरेकर, वो रांची आए हुए थे और उनका फोन गायब हो गया। सोचिए जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे शहर आया और उनका फोन अचानक से गायब हो गया। अब ये तो नहीं पता चला कि फोन किसी ने चोरी कर लिया है, किसी ने उठा लिया या फिर खुद ही उनसे कहीं पर गिर गया है। सोमवार को संजय मांजरेकर ने इसकी जानकारी जो है वो चुटिया थाने को दी, क्योंकि वो चुटिया इलाके के ही एक होटल में रुके हुए थे, वहां उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद चुटिया थाने की पुलिस जो है फोन को ढूंढने में लगी, वहां की सर्विलांस टीम जो है फोन को ढूंढने में जब जुटी तो मोबाइल का जो लोकेशन था वो होटल के आसपास का ही दिखता रहा कि फोन वहीं आसपास कहीं पर है, लेकिन ये नहीं पता चला कि फोन आखिर है कहाँ, एक्चुअल में वो किसी के पास है या फिर कहीं पर गिरा हुआ है, इस वजह से लोकेशन दिख रहा है इसके। दरअसल रांची में पिछले 5 दिनों से 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक टेस्ट मैच चल रहा था, उसी दौरान वो कमेंट्री करने के लिए रांची आए हुए थे और हो सकता है इसी बीच उनका फोन कहीं गिर गया होगा या किसी ने ले लिया होगा या किसी के पास छूट गया होगा। तो ऐसे में फोन तो उनको सुबह तक जो जानकारी मिल पाई है फोन तो उन्हें नहीं मिल पाया है और इसको लेकर उन्होंने चुटिया थाने में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। आपको बताते चले कि रांची में 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का जो मैच था उसमें वह 26 तारीख तक ही गया और 26 तारीख तक में ही टीम इंडिया ने काफी अच्छी जीत जो है वो हासिल कर ली है और रांची में ये टेस्ट मैच काफी रोमांचक रहा। उतार चढ़ाव जो थे वो बने रहे कि कौन जीतेगा, कभी इंग्लैंड तो कभी इंडिया की टीम, कंफ्यूजन लगातार बना।